Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. Today we'll be discussing about different kind of gallantry awards that is conferred by the Government of India on the eve of Republic Day. So, like every year, this year also the President of India, Draupadi Murmu ji, she has conferred various awards to different eligible people under this heading of gallantry awards. ये क्या होते हैं, इसके क्या अलग अलग टाइप्स हैं, ये सारे चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. So if you are able to see this screen, there are around 391 gallantry awards and other decorations have been approved for the armed forces personnel. So around 391 awards have been approved. Amongst them, 6 would be Kirti Chakras, okay? 16 would be Shourya Chakras. 84 would be mentioned in dispatches, okay? So let's see. President Draupadi Murmu, she has approved gallantry awards to 80 military personnel, including 12 posthumous. This is a bit different, that if someone is sacrificing his or her life on the line of duty, he or she can also be awarded with gallantry awards, okay? So इसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, 6 कीर्ति अवार्ड्स भी दिया जा रहा है, ठीक है. 53 सेना मेडल्स, ठीक है. 1 9 सेना मेडल, 4 वायु सेना मेडल. दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ अवार्ड्स आर कन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द गैलेंट्री अवार्ड्स इन इंडिया, व्हाट आर दिस गैलेंट्री अवार्ड्स, ओके. सो इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग क्या देखते हैं, जो पहली बार जो 3 गैलेंट्री अवार्ड्स जो आपका इस्टैब्लिश किया गया था, उसका नाम एक तो हो गया परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र, ठीक है. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसको स्थापित किया गया एंड 15 अगस्त 1947 से ये माना गया कि 15 अगस्त 1947 से ही ये जो है आपका फोर्स में है. सो ये इस तरह के जो अवार्ड्स हैं, इसको बैक डेट से भी क्या किया जाता है, इसको इफेक्टिव किया जा सकता है, जिसको और एक शब्द है जिसका नाम है रेट्रोस्पेक्टिव. तो इसको रेट्रोस्पेक्टिवली भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है. रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब कि बैक डेट से ये इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो ये इस तरह से इसको इस्टेब्लिश किया गया था 26 जनवरी 1950 को. उसके बाद 3 और गैलेंट्री अवार्ड्स इंट्रोड्यूस किया गया, अशोक चक्र फर्स्ट कैटेगरी, अशोक चक्र सेकेंड कैटेगरी एंड अशोक चक्र थर्ड कैटेगरी, ठीक है. ये सब 1952 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये भी ये माना गया कि ये भी मान लीजिए कि आप 1947 से ही ये स्थापित किया गया था. दिस अवार्ड्स आर रीनेम्ड, इसको बाद में क्या अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कहा गया, ठीक है. तो आप क्या देखते हैं, पहले परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र तो है ही, बाकी जो 3 हैं इसको अलग अलग नाम दिया गया, एक अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र. तो ऑर्डर ऑफ प्रिसेडेंस की अगर हम बात करें ये सारे अवार्ड्स में, तो सबसे पहले आएगा परमवीर चक्र, ठीक है. उसके बाद आता है अशोक चक्र सेकंड कैटेगरी में, मतलब अगर जो उसकी रेस्पेक्ट की बात करें, मतलब अवार्ड्स तो अवार्ड्स होते हैं बट उसके भी एक क्या होता है कि हायर डिग्री ऑफ अवार्ड्स, स्मॉलर डिग्री ऑफ अवार्ड्स. तो उसमें सबसे पहले परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र और फिर वीर चक्र और आखिर में शौर्य चक्र, ठीक है. सो ये सारे जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, ये एक साल में 2 बार दिया जाता है, एक इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे और दूसरा रिपब्लिक डे के मौके पे, ठीक है. और ये सब गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए एलिजिबल कौन कौन है, ऑफिसर्स ऑफ ऑल द रैंक्स ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस और एनी ऑफ द रिजर्व फोर्सेस, टेरिटोरियल आर्मी एंड एनी अदर लॉफुली कॉन्स्टिट्यूटेड आर्म्ड फोर्सेस. तो किसी भी तरह की जो फोर्सेस की अगर हम बात करें, ठीक है, चाहे वो रिजर्व फोर्सेस हो, टेरिटोरियल आर्मी हो या फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तमाम लोग क्या है, दे आर एलिजिबल टू गेट दिस अवार्ड, ओके. उसके अलावा इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड पर्सनल, उसके अलावा मैट्रॉन्स, सिस्टर्स, नर्सेस अलोंगसाइड द स्टाफ ऑफ द नर्सिंग सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज पर्टेनिंग टू द हॉस्पिटल एंड नर्सिंग एंड सिविलियंस, बोथ मेल एंड फीमेल, सर्विंग रेगुलरली और टेम्पोरली अंडर द ऑर्डर्स, डायरेक्शंस और सुपरविजन्स ऑफ एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड फोर्सेस. कोई भी ये सारे लोग, ठीक है, चाहे फोर्सेस के लिए काम करो, फोर्सेस के साथ काम करो या फिर फोर्सेस के डायरेक्शन में काम करो, ये सारे लोग भी एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए, ये सारे अवार्ड्स के लिए, ठीक है. तो वार टाइम गैलेंट्री 2 तरह का होता है, एक वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, दूसरा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स. वार टाइम में आपका परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, मतलब नॉर्मल
टाइम्स में ये कम दिया जाता है, जहाँ पर अगर वार हो गया तो वैसे में अगर किसी का प्राण आहुति हो गया, किसी ने बहुत ज़्यादा जो है आपका साहस प्रदर्शन किया, तो वैसे में ये सारे अवार्ड्स को वो किया जाएगा। अब मान लीजिए कोई पीस टाइम चल रहा है, वैसे में अगर अवार्ड देना है तो उसको हम लोग अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये अलग अलग नाम से बताते हैं। वार टाइम हाइस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स में से जो है तीन है, परमवीर चक्र, इट इज़ इंडियाज़ हाइस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, अवार्डेड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश्ड एक्ट्स ऑफ वैलर ड्यूरिंग वार टाइम। अगर कभी झगड़ा चल रहा है उस टाइम, कभी कोई कहीं पे वॉर चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, वैसे में अगर आपने अपना जो है साहस दिखाया, अपना जो है क्या कहते हैं अदम्य साहस, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आपने करेज डिस्प्ले किया, तो वैसे में आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा परमवीर चक्र। दूसरा महावीर चक्र, ये सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, ये भी मतलब अगर एनिमी के खिलाफ आपने बहुत बहादुरी से लड़ाई किया, देन यू विल बी गिवन दिस महावीर चक्र। देन वीर चक्र, इट इज़ कंट्रीज थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स आफ्टर परमवीर चक्र एंड महावीर चक्र, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। देन पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स इफ यू टॉक अबाउट, फर्स्ट इज कीर्ति चक्र, इट इज़ द पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ द महावीर चक्र, इट इज़ इक्विवेलेंट टू महावीर चक्र, ठीक है। महावीर चक्र दूसरे में आता है, परमवीर चक्र पहले में आता है, तो जो दूसरे में वार टाइम में जो आपको महावीर चक्र मिल रहा है, पीस टाइम में वो कीर्ति चक्र, दोनों सेम कैटेगरी का है। दिस इज़ अवार्डेड फॉर डिस्प्लेइंग कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री, इनडोमिटेबल करेज एंड एक्सट्रीम डिवोशन टू ड्यूटी और सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ बैटल। तो ये सारे काम के लिए आपको दिया जाएगा कीर्ति चक्र, ठीक है। एलिजिबिलिटी एंड डिज़ाइन की बात करें, ओपन टू सिविलियंस एज वेल, ये सिविलियंस को भी दिया जा सकता है और मिलिट्री पर्सनल्स को भी दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट हो सकता है आपको, जब ये पूछा जाएगा आप नेचुरली यू विल बी एबल टू और यू विल बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स कंक्लूडिंग दैट ये सिर्फ मिलिट्री पर्सनल के हो सकता है, बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर सिविलियंस एज वेल। उसके अलावा भी पोस्टमसली भी दिया जा सकता है, अगर किसी ने प्राण आहुति कर लिया, इफ समवन डाइड ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी, दैट he or she can also be awarded with this Kirti Chakra। और इस मेडल का अगर कैसा दिखता है अगर आप बात करें, ये देखिए Kirti Chakra, ये दूसरा वाला है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके अलावा हम लोग देखते हैं शौर्य चक्र, एन इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड फॉर गैलेंट्री, करेजियस एक्शंस और सेल्फ सेक्रीफाइस वाइल नॉट एंगेज इन डायरेक्ट एक्शन विद द एनिमी, एंड इट रिप्रेजेंट्स ब्रेवरी, वेलर, डिवोशन टू ड्यूटी इन पीस टाइम। ये सारे काम के लिए आपको दिया जाता है, ये भी सिविलियंस के लिए है, मिलिट्री पर्सनल के लिए है और पोस्टमसली भी यह दिया जाता है। सर्कुलर ब्रॉन्ज मेडल विथ ए रेप्लिका ऑफ द अशोक चक्र यहाँ पर होता है, ठीक है, आप उस फोटो को देख सकते हैं। इसमें लोटस रेथ अराउंड द अशोक चक्र सिंबल यहाँ पर देखा जाता है। इट इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम ए ग्रीन रिबन विथ ए थ्री वर्टिकल लाइन्स। फिर आता है अशोक चक्र, ये हाइस्ट मिलिट्री अवार्ड है पीस टाइम के दौरान, ठीक है। इट इज़ अवार्डेड फॉर मोस्ट कंस्पिक्यूअस ब्रेवरी, ये जो है आपका परमवीर चक्र के इक्विवेलेंट आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गया। अब आपको लगा होगा कि सर ये सारा सवाल पूछेंगे क्या, डू यू थिंक वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, बट देखिए यूपीएससी में 2021 में ये सवाल पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 क्लोज 1, क्या ये बात सही है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको आर्टिकल 18 का समझ होना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा पद्म अवार्ड्स विच वी आर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वी आर सस्पेंडेड ओनली वंस, ये सिर्फ एक ही बार इसको वो किया जाएगा। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 इन ए पर्टिकुलर ईयर, क्या ये भारत रत्न अवार्ड एक साल में कितने लोगों को दिया सकते हैं, 5 लोगों को दिया जा सकता है क्या, ये सारे सवाल हैं जो आपको बताना है, ठीक है। तो पूछ नॉट करेक्ट कौन सा है, ठीक है, आपको ये पूछा गया है। सो पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 18 क्लोज 1 के तहत जो टाइटल का जो डेफिनेशन है उसमें ये पद्म अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड्स ये नहीं आता है, ठीक है, पहला नहीं होगा। अब दूसरा तीसरा की तीसरे में आ जाते हैं, नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, तो नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स एक साल में कितना ज़्यादा, नॉट मैक्सिमम 5 नहीं है, मैक्सिमम 3 है, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो 1 और 3 दोनों इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, पद्म अवार्ड्स विच वेयर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वी आर सस्पेंडेड ओनली वंस, ये जो बात कहा गया है ये भी गलत, ठीक है, ये 1978 में सस्पेंड किया गया, ठीक है, फिर 1979, 93, 97, 2000 ये सारे
मेनी टाइम्स, बहुत सारे टाइम में इसको सस्पेंड किया गया था. तो नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, 1, 2 and 3 सब इनकरेक्ट है. तो इस तरह के सवाल आपको पूछा जा सकता है. सो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स एंड वील बी बैक विथ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड एग्जाम रिलेटेड टॉपिक. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.